Let's start with a quick question today. If Mira saves 4000 rupees, which is 10% of her salary, then what is her actual salary? Let's see how many of you got the right answer. Leave your answers in the comment section. So, as you might have noticed, this question was based on the last video of comparing quantities, class 7 science, chapter 8 NCRT. If anybody has any doubt or problem in solving the question, you can leave it in the comment section and we can discuss it further. Okay, so let's start with today's class. Today we are going to discuss few simple terms which are there in comparing quantities, and then we'll do few examples from NCRT. Okay. So, in the last video sabne sikha tha how to convert a ratio into percentage, right? Kohi bizo, whether it's ratio, fraction, decimal. If you want to convert it to percentage, what do we have to do? simple step, we just have to multiply it with. हंड्रेड क्योंकि पर सेंट पर सेंट मीन्स हंड्रेड सो पर सेंट सेंट इज हंड्रेड सो एवरी हंड्रेड राइट मूविंग ऑन आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू मेरी मम्मी ना बहुत एग्जाम्पल्स देती रहती है हमारे ज़माने में तो ऐसे हमारे ज़माने में तो वैसे मैंने कहा आप देखो तो कितना परसेंट चेंज हो गया इसमें एनसी लाइक वॉट तो आज के और पहले सारे लोगों के लिए आज हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज चेंज ठीक है तो जैसे आपकी मम्मा बोलती है हमारे ज़माने में तो चार रुपये का बिस्किट मिलता था और अब देखो तो हम इन्हीं चीज़ों का आज परसेंटेज चेंज जो है कैलकुलेट करते हैं कि तब से लेके अब तक कितना परसेंट प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है कम तो आई डोंट थिंक सो किसी का हुआ होगा बड़ा ही बड़ा है सो so, लेट्स अगर पहले कोई चीज़ मुझे मिलती थी फोर रुपीज़ में और अब वही चीज़ अगर मुझे मिल रही है फोर्टी रुपीज़ में तो मेरा परसेंटेज चेंज कितना हो गया तो चेंज कितना हुआ मेरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यू प्राइस माइनस द ओल्ड प्राइस, सो आई विल गेट द चेंज सो इट विल बी फोर्टी माइनस फोर विच विल बी थर्टी सिक्स ठीक है और इसका परसेंटेज निकालेंगे कैसे हम परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू जो भी हमारा चेंज आया है अपॉन द ओरिजिनल अमाउंट तो हमारा ओरिजिनल अमाउंट क्या था फोर रुपीज और परसेंटेज है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड से ठीक है सिंपल अब इसको कैलकुलेट करते हैं 36 into 25, 900 percent. Oh my God! ओ गॉड मतलब तब से लेके अब तक 900 percent का इंक्रीज़ हुआ है उसके प्राइस में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आप भी ले सकते हो कोई भी चीज चॉकलेट बिस्किट कोल्ड ड्रिंक चिप्स फ्रूट वेजिटेबल्स स्टेशनरी पेन पेपर इतने कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके आप प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो और उनका परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला राइट तो आप ऐसे खुद एग्जाम्पल्स लेके करो एंड लीव योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन आई बी हैपी टू सी द अब परसेंटेज चेंज के बाद हम चलते हैं मार्केट में थोड़ा रियल लाइफ में नहीं डिजिटली यही अपने स्कूल रूम में तो अब हम देखते हैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट ठीक है सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस मतलब उसकी कितनी कॉस्ट है राइट right? और सेलिंग प्राइस मतलब अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं उसको कितने रुपीज़ में सेल करने के लिए रेडी हूँ सो दैट इज़ द सेलिंग प्राइस तो सपोजिंग अगर मेरे पास ये मार्कर है मैंने टेन रुपीज का लिया तो इसकी कॉस्ट प्राइस मेरे लिए हो गई टेन रुपीज है ना अब अगर मैं यही मार्कर किसी को सेल कर देती हूं तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी तो सपोजिंग अगर मैं फिफ्टीन रुपीज का सेल करती हूं तो सेलिंग प्राइस हो गया फिफ्टीन रुपीज राइट तो कॉस्ट प्राइस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सी पी फिर होता है सेलिंग प्राइस जिसको हम लिखते हैं एस पी ठीक है अब कभी कभी कॉस्ट प्राइस कम हो सकता है कभी ज़्यादा हो सकता है सेलिंग प्राइस से जैसे कि अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया हमने बोला कि कॉस्ट प्राइस है मेरा टेन रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है फिफ्टीन रुपीज़ है ना तो मेरा कॉस्ट प्राइस छोटा है और सेलिंग प्राइस बड़ा है तो मुझे क्या होगा प्रॉफिट होगा और कितने रुपीस का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का है ना तो मुझे प्रॉफिट हो गया अगर मैंने कोई चीज़ दस रुपए में खरीदी और पंद्रह रुपए में बेच दी तो सीधा सीधा फाइव रुपीज का प्रॉफिट हो गया ना तो ऐसे मेंटली तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं बस इसी चीज़ को हमें अब पेपर पे समझना है राइट तो कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट कैसे निकालेंगे दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ गया फाइव रुपीज़ और अगर इसी की मुझे परसेंट निकालनी है कि मैंने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया इस पर तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालूँगी प्रॉफिट परसेंटेज होगी प्रॉफिट अपॉन सीपी अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हमेशा सीपी होगा कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं होगा और परसेंटेज है तो इन टू हंड्रेड तो ये परसेंटेज चेंज के जैसा जैसा ही फॉर्मूला है है ना चेंज हमारा कितना है मतलब प्रॉफिट और बेस हमारा कितना है बेस तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया ना मैंने दस रुपये का खरीदा था वो ही मेरा बेस है तो कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इन टू हंड्रेड ठीक है तो ऐसे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा तो इस केस में हो गया मेरा फिफ्टी परसेंट मतलब मैंने पचास परसेंट के प्रॉफिट पे ये मार्कर सेल कर दिया ठीक है अब इसी में हम दूसरा केस ले लेते हैं मैंने टेन रुपीज़ का ये मार्कर खरीदा लेकिन मैंने इसको सेल किया एट रुपीज़ में आठ रुपये में तो फिर मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ तो ये सीधा सीधा लॉस हो गया है ना मैंने नुकसान में बेच दिया अपना मार्कर और कितने का नुकसान हुआ मेरे को टू रुपीज़ का राइट तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस टेन है और सेलिंग प्राइस एट है तो मेरा कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया सेलिंग प्राइस छोटा हो गया तो मुझे हो गया लॉस और लॉस हम कैसे निकालेंगे दोनों तो को माइनस करके तो ये हो जाएगा टू रुपीज तो मुझे टू रुपीज़ का लॉस हो गया और इसी को अगर मुझे परसेंटेज में निकालना हो तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इन टू हंड्रेड ठीक है तो लॉस मेरा यहाँ पे टू रुपीज का है तो मेरा लॉस परसेंटेज कितना हो गया ट्वेंटी परसेंट तो मैंने ट्वेंटी परसेंट के नुकसान पे अपना मार्कर जो है एट रुपीज़ में सेल कर दिया ठीक है अब यहाँ पे एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है वो क्या है देखते हैं तीसरी कंडीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने टेन रुपीस का खरीदा और टेन रुपीस में ही सेल कर दिया तो मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है दिस इज द थर्ड कंडीशन ओके अब इन्हीं के ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ये है ट्राई दीज क्वेश्चन फ्रॉम एन ओके सो लेट्स स्टार्ट तो पहला क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर थ्री सेवेंटी फाइव रुपीज एंड ही सोल्ड इट फॉर फोर हंड्रेड रुपीज सो वी हैव टू फाइंड द गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट ठीक है तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है सो कॉस्ट प्राइस इज गिवन शॉपकीपर ने कितने रुपीज में खरीदा था थ्री सेवेंटी फाइव और सेलिंग प्राइस भी गिवन है कितने रुपीज में सेल किया था फोर हंड्रेड हमें निकालना क्या है हमें निकालना है गेन परसेंट ठीक है गेन परसेंट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे गेन अपॉन सी पी इंटू हंड्रेड राइट तो मेरे पास सीपी है मुझे गेन निकालना है गेन कैसे निकालूंगी वॉट वुड बी द प्रॉफिट प्रॉफ़िट कैसे निकालेंगे हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वो तो हमें सीधा सीधा दिख भी रहा है अगर मैंने कोई चीज़ थ्री सेवेंटी फाइव रुपीज़ में खरीदी और फोर हंड्रेड में सेल कर दी तो ट्वेंटी फ़ाइव रुपीज़ का फ़ायदा मुझे दिख रहा है ना तो बस यही चीज़ हमें अब पेपर पे लिखनी है तो फोर हंड्रेड माइनस थ्री सेवेंटी फाइव विच इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव रुपीज़ तो ट्वेंटी फाइव रुपीज़ का मेरे पास गेन आ गया अब मैं परसेंटेज निकाल सकती हूँ सो दिस वुड बी ट्वेंटी फाइव और सी पी क्या है मेरा थ्री सेवेंटी फाइव इंटू हंड्रेड हो जाएगा वन एंड फाइव फाइव थ्री जार फाइव टू ट्वेंटी अपॉन थ्री परसेंट सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट या फिर सिक्स टू बाई थ्री परसेंट ठीक है क्लियर ऐसे क्वेश्चन आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हो अगर कोई भी चीज आप मार्केट से खरीद के ला रहे हो आप हाइपोथेटिकली उसका कोई सेलिंग प्राइस बना के प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो है ना सपोजिंग अगर मैं चॉकलेट लाइट फोर्टी रुपीज की तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना सकते हैं कि मैंने वो चॉकलेट आगे सेल कर दी फिफ्टी रुपीज में तो मेरा कितना गेन परसेंट हुआ या फिर वही चॉकलेट मैंने लॉस में सेल कर दी थर्टी रुपीज में तो मेरा कितना लॉस परसेंट हुआ है कि नहीं ऐसे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स उठा उठा के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मेंटल मैथ्स भी स्ट्रांग होगी आप क्विकली कैलकुलेशन कर पाओगे और मज़ा भी आएगा तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है कि कॉस्ट प्राइस इज फिफ्टी रुपीज़ और इस आइटम को हमने सेल किया 12 परसेंट के प्रॉफिट पे वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ओके तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कॉस्ट प्राइस गिवन है फिफ्टी रुपीज़ गेन परसेंट गिवन है ट्वेल्व परसेंट मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए सेलिंग प्राइस मुझे कैसे मिलेगा अगर मैं कॉस्ट प्राइस में अपना प्रॉफिट ऐड कर दूंगी तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा और प्रॉफिट कैसे मिलेगा प्रॉफिट मुझे गेन परसेंट से मिल सकता है तो प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी हंड्रेड मेरे पास परसेंटेज भी है और सी भी है है ना तो मैं निकाल सकती हूँ ट्वेल्व परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस है फिफ्टी इंटू हंड्रेड तो ये टू हो गया और ये कट के सिक्स हो गया तो मेरा प्रॉफिट हो गया सिक्स रुपीज़ राइट एक और बात अगर प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस में आपको समझ ना आए कि मैं कैसे प्रोसीड करूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं तो आप पहले गिवन लिखो और जो आपको ढूंढना है वो लिखो तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मुझे सेलिंग प्राइस ढूंढना है सेलिंग प्राइस के लिए मुझे क्या क्या चाहिए ये दो चीज़ें चाहिए इसमें से मेरे पास ये है प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट ढूंढने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए मेरे को ये फॉर्मूले से प्रॉफ़िट मिल सकता है तो अगर आप ऐसे लिखते रहोगे ना कि क्या क्या गिवन है क्या मुझे फ़ाइंड करना है और क्या क्या फॉर्मूलाज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ तो उसके बेसिस से आपका आंसर ना ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे अब ये करना है अब ये करना है अब ये करना है तो ईजी हो जाता है अब आगे बढ़ते हैं मेरे पास प्रॉफिट आ गया तो सेलिंग प्राइस मैं निकाल सकती हूँ सेलिंग प्राइस हो गया मेरा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस विच इज सिक्स प्लस फिफ्टी फिफ्टी सिक्स रुपीज ओके क्लियर एक और एग्जाम्पल करते हैं अब इस एग्जाम्पल में हम लेते हैं लॉस ठीक है तो क्वेश्चन है कि एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर फाइव फोर्टी रुपीज और वो फाइव परसेंट के लॉस परसेंट पे हमने सेल की थी तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है सेलिंग प्राइस है फाइव फोर्टी है ना क्वेश्चन है कि एन आइटम वॉज सोल्ड तो सेलिंग प्राइस गिवन है कॉस्ट प्राइस हमें ढूंढनी है और यहाँ पे मुझे लॉस परसेंट गिवन है विच इज फाइव परसेंट तो कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए मुझे क्या चाहिएगा कॉस्ट प्राइस आएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस है ना लॉस वाले केस में कॉस्ट प्राइस ऐसे ही निकलेगा ठीक है क्योंकि लॉस हमने कैसे निकाला था लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस एस पी है ना तो सीपी निकालने के लिए मेरे पास सेलिंग प्राइस है बट लॉस नहीं है लॉस मैं कैसे निकाल सकती हूं लॉस परसेंट से निकाल सकती हूँ लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू हंड्रेड यहां पे हम एक एक्सॉम्पन करेंगे कि लेट सी पी बी एक्स तो ये हो गया फाइव इज इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी क्या है मेरा एक्स इंटू हंड्रेड सो ये हो गया फाइव एक्स अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू लॉस अब मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ सी पी मेरा है एक्स सेलिंग प्राइस है फाइव फोर्टी और लॉस है मेरा फाइव एक्स प्ल अपन हंड्रेड ठीक है एक्स की टर्म को एक साथ ले आते हैं एक्स माइनस फाइव एक्स अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू फाइव फोर्टी ठीक है अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो नाइनटी फाइव एक्स अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू फाइव फोर्टी एक्स इज इक्वल टू फाइव फोर्टी अपॉन नाइनटी फाइव इन टू हंड्रेड इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर ओके okay? एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का वो भी देख लेते हैं तो इस केस में हम एक एजम्पन करते हैं कि लेट सी पी बी हंड्रेड तो जब सी पी हंड्रेड रुपीज का है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा अगर फाइव परसेंट लॉस है नाइन्टी फाइव हो जाएगा है ना वेन सी पी इज हंड्रेड सेलिंग प्राइस विल बी नाइनटी फाइव एट फाइव परसेंट लॉस तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस 540 है तो मेरा सीपी क्या होगा तो इस केस में मैं प्रपोशनैलिटी यूज़ कर सकती हूँ तो 100 इज़ टू 95 जैसे कि एक्स इज़ टू 540 तो प्रपोशनैलिटी बन गई मेरी और इसी से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 540 फोर्टी इन टू हंड्रेड अपॉन नाइन्टी तो हमारे पास वापस से वही आंसर आ जाएगा ओके okay? क्लियर अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वो है सिंपल इंटरेस्ट सिंपल नाम में ही सिंपल है बहुत सिंपल है अब होता क्या अब होता क्या है अब हम बच्चे तो बड़े सिंपल होते हैं है ना अगर हमसे कोई चीज़ मांगता है कि यार कहना है बोरो दिस तो हम तो दे देते हैं कि हाँ ठीक है यूज़ करके वापस कर देना है ना लेकिन ये बड़े लोगों की दुनिया ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है अगर कोई बड़े लोगों से चीज़ मांगता है कि यार थोड़ा सा ये दे दो ना तो वो कहते हैं फ्री में थोड़ी ना मिलेगा भाई पैसे लगेंगे और यही कॉस्ट यही जो वो कह रहे हैं न कि पैसे लगेंगे दैट बिकम्स द सिंपल इंटरेस्ट तो जैसे कि मेरे पास हंड्रेड रुपीज़ हैं और किसी को ज़रूरत है हंड्रेड रुपीज़ की तो वो मेरे पास आएगा और बोलेगा यार प्लीज़ हंड्रेड रुपीज़ दे दो मेरे को बहुत ज़रूरत है तो मैं बोलूँगी ठीक है ले जाओ लेकिन जब तुम तो मुझे वापस दोगे मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस चाहिए ठीक है तो इसी को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट ओके तो ये देखते हैं हम कैसे होता है ये सिंपल इंटरेस्ट को हम एस SI आई की फॉर्म में डिनोट करते हैं यहाँ पे क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं हम सबसे पहले होता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल मतलब जो आपके पास पैसे हैं, जो पैसे आप लोन पे देने वाले हो ठीक है जैसे मेरे पास थे हंड्रेड रुपीज तो मेरा इंटरेस्ट तो मेरा प्रिंसिपल हो गया हंड्रेड ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं वॉट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है मेरे को फाइव परसेंट इंटरेस्ट के साथ वापस करना तो मेरा रेट हो गया फाइव परसेंट तो मतलब जब आप वापस करोगे मुझे पैसे मेरे हंड्रेड रुपीज़ तो उसमें फाइव परसेंट एक्स्ट्रा वापस करोगे ठीक है ना तो हंड्रेड में फाइव एक्स्ट्रा फाइव परसेंट कितना हो गया हंड्रेड एंड फाइव तो जब मुझे पैसे वापस मिलेंगे तो हंड्रेड एंड फाइव मिलेगा तो वो मेरा बन जाएगा अमाउंट ठीक है जो हमें अमाउंट वापस मिलता है तो अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो इस केस में हो गया मेरा हंड्रेड एंड फाइव ठीक है अब ये तो हमने बहुत ईजिली कैलकुलेट कर लिया लेकिन कभी कभी ये जो हमारी बोरोइंग होती है बहुत लंबी चलती है बहुत बड़े बड़े नंबर्स के साथ चलती है तो उसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम यहाँ पे टाइम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये जो बोरोइंग होती है ये बहुत इयर्स में स्ट्रेच होती है मतलब टू इयर्स थ्री इयर्स फोर इयर्स फाइव इयर्स सो हम इसमें टाइम भी इंक्लूड करते हैं कि आप कितने टाइम के लिए बोरो कर रहे हो एंड अपॉन हंड्रेड ओके okay, ये हंड्रेड कैसे है रेट ऑफ इंटरेस्ट का हंड्रेड है क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में है ना तो उसी का हंड्रेड है ये ठीक है तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन हंड्रेड ओके इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये भी ट्राई दीज क्वेश्चन हैं फ्रॉम

आई हैव टू थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड रुपीज इन माई अकाउंट और उस अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है फाइव परसेंट तो इन हाउ मैनीयर्स विल आई अर्न द इंटरेस्ट ऑफ टू फोर्टी रुपीज ठीक है एक बार लिख लेते हैं क्या क्या गिविन है प्रिंसिपल गिविन है कि मेरे अकाउंट में टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ है तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट गिविन है फाइव परसेंट और वो पूछ रहे हैं कि इन हाउ मेनी ईयर्स तो मुझे मतलब टाइम पीरियड ढूंढना है विल आई अर्न द इंटरेस्ट ऑफ़ टू फोर्टी रुपीज़ तो मेरे पास इंटरेस्ट गिवन है टू फोर्टी रुपीज़ मतलब टू फोर्टी रुपीज़ इंटरेस्ट मेरा कितने टाइम पीरियड में बनेगा ये ढूंढना है तो देखते हैं फॉर्मूला लगाते हैं एस आई इज़ इक्वल टू पी आर टी अपॉन हंड्रेड विच बिकम्स टू फोर्टी इज इक्वल टू 2400 थाउजेंड फोर हंड्रेड इन रेट है हमारा फाइव टाइम को टी लिख देते हैं अपॉन हंड्रेड मैं यहीं कट कर देती हूँ जीरो ज़ीरो ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी फोर कट हो गया फाइव एंड टू सो टाइम बिकम्स टू ईयर्स अगर मुझे इस कैलकुलेशन इस पार्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ टू फोर्टी इज इक्वल टू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू फाइव अपॉ इंटू टी अपॉन हंड्रेड तो मैं इधर ले आऊंगी हंड्रेड को टू फोर्टी इंटू हंड्रेड और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा इज इक्वल टू टी तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट टू इयर्स तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑन अ सर्टन सम द इंटरेस्ट पेड आफ्टर थ्री इयर्स ज फोर फिफ्टी रुपीज एट फाइव परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है तो इसमें हमें तीन चीजें दी गई हैं अभी तक सिंपल इंटरेस्ट है फोर फोर्टी रुपीज टाइम दिया हुआ एट इन थ्री ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है एट फाइव परसेंट ठीक है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द सम तो हमें यहां पर प्रिंसिपल ढूंढना है तो सेम फॉर्मूला से लगाएंगे वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल हियर सो 450 फिफ्टी इज इक्वल टू पी इनटू आर मेरा है 5, टी मेरा है 3 अपॉन हंड्रेड so तो 450 फिफ्टी इंटू हंड्रेड अपॉन फाइव इंटू थ्री विल बी माई प्रिंसिपल को सॉल्व कर लेते फाइव नाइन जार थ्री थ्री जार तो मेरा प्रिंसिपल हो गया थर्टी इंटू हंड्रेड विच इज थ्री थाउजेंड रुपीज ओके ये मेरा प्रिंसिपल हो गया और अमाउंट क्या होगा मेरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सो थ्री थाउजेंड और इंटरेस्ट क्या है मेरा फोर फिफ्टी तो अमाउंट हो गया थ्री फोर फिफ्टी थ्री थाउजेंड फोर फिफ्टी रुपीज ओके क्लियर सो विद कंपेरिंग क्वान्टिटीज के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं साथ ही साथ हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लिए हैं ओके सो दिस इज फॉर टूडे एंड इफ यू वॉन्ट मी टू सॉल्व एनी अदर क्वेश्चन प्लीज लिव इट इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्कूल रूम ऑनलाइन फॉलोअर्स ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सऐप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो एंड यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट द लाइव क्लासेस So this is for today, see you next time!